स्टेशन पचमढ़ी की डाइट शिक्षण संस्था को नर्मदापुरम में स्थानांतरित करने की कवायद चल रही है। इसे रोकने के लिए पचमढ़ी के रहवासी एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत लोगों के घरों में पहुंचकर हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में विकास यात्रा के दौरान समाजसेवी लोगों ने विधायक ठाकुरदास नागवंशी को ज्ञापन देकर डाइट को पचमढ़ी में ही रहने का निवेदन किया था। अभियान चला रहे समाजसेवी सुनील शुक्रा ने बताया कि शिक्षक ट्रेनिंग संस्थान, जिसे पूर्व में BTI और अब डाइट कहा जाता है, नर्मदापुरम स्थानांतरित करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है, जिसके तहत हमने जानकारियां निकाली तो यह तथ्य सामने आए हैं कि डाइट को नर्मदापुरम स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि ऐसा हुआ तो पचमढ़ी से एक ऐतिहासिक ट्रेनिंग सेंटर चला जाएगा, वहीं यहां आने वाले सैकड़ों आसपास के रहने वाले छात्रों का भविष्य खराब होगा। करीब 200 विद्यार्थी यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा आसपास के क्षेत्र के छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं। यदि डाइट स्थानांतरित हुआ तो 125 किलोमीटर दूर जाकर बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई प्रतिभावान छात्र डाइट की ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और करीब 400 लोगों के हस्ताक्षर हम अब तक करा चुके हैं। सर, हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये संस्था चले जाएगी तो हम लोगों का शायद सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम लोग इतने दूर डेली आना जाना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घर गृहस्थी वाले लोग भी हैं, मतलब लड़कियाँ भी बहुत सारी हैं, यहाँ पर संख्या भी ज़्यादा, वहाँ से पढ़ने लोग आते हैं, आसपास के पिपरिया के आसपास की लड़कियाँ भी आती हैं, तो ये संस्था को यहीं रहना चाहिए तो सबसे अच्छा है। आप सभी का मानना है कि संस्था यहाँ रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।